अभी जी हम कुल तो अभी जी हम अपर कचौरा लेक से वापस जा रहे हैं, तो वो इतनी ऊपर जाना है तो आगे जा रहे हैं सरफरंगा डेजर्ट रैली जहाँ पे होती है, तो वो डेजर्ट देखने के लिए ऊपर चढ़ तो आए लेकिन सांस बहुत ज़्यादा चढ़ गया। असल में मुझे इसलिए ज़्यादा चढ़ा है, मैं पहले कैमरा सेट किया था फिर नीचे जाता था फिर ऊपर आता, इस तरह ये जी हमने लेक देख ली है अपर कचौरा लेक। तो लोअर कचौरा जो है वो रहती शायद ना देखो, तो अभी हम जा रहे हैं सरफरंगा डेजर्ट। में हमें व्यू पॉइंट एक नज़र आ गया था, तो यहाँ से ये लोअर कचौरा जो लेक है वो नज़र आ जाती है। तो ये क्लियर पॉइंट नहीं है, क्लियर पॉइंट कोई ऊपर जाता है रास्ता वहाँ से होता है, तो हमने कहा चलो जितना मिलता है उतना ही सही, तो ये नज़र आया। अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुक गए हैं, चपली कबाब खाने लगे हैं। हनीफ ने बताया कि भाई यहाँ के बड़े मज़ेदार कबाब हैं, तो अभी चेक करते हैं कैसे कबाब हैं। तो मेरे बाल जो है सारे खराब हो चुके हैं, तो अभी सरफरंगा डेजर्ट टाइम है जाने का, इंशाल्लाह सरफरंगा जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं जी सरफरंगा डेजर्ट की जानब, तो मेरे बाएं हाथ पे आपको नज़र आ रहे होंगे टेले वगैरह, तो वो सरफरंगा डेजर्ट के आसार कह लें या सरफरंगा डेजर्ट इधर से शुरू हो जाता है। तो हम करीब करीब ही हैं सरफरंगा डेजर्ट के, तो ये जा रहा है साथ साथ दरिया सिंध, तो दरिया सिंध को क्रॉस करके तो फिर हम जाएंगे सरफरंगा डेजर्ट की जानब। अभी हम दूसरी सड़क पर हैं, तो चपली कबाब खा के आ गए हैं, तो बड़े मज़ेदार चपली कबाब हैं। तो हनी भाई ने बताया था ये पहले भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो इन्होंने खाए थे, तो मैंने कहा कि भाई चपली कबाब भी खाने हैं तो इधर से ही खाने हैं जहाँ से आपने खाए हैं, तो काफ़ी अच्छे कबाब थे। तो अभी खा के हम जा रहे हैं, तो ये पुल है जिसे हम क्रॉस करके सरफरंगा डेजर्ट के करीब बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। तो ये वो पुल है, नीचे से दरिया सिंध है वो गुजर रहा है, ये लद्दाख से होता हुआ आता है तो जाता है कराची, कराची से फिर साहल समुद्र जो भी है वहाँ पे। तो ये पुल भी काफ़ी प्यारा बना हुआ है, तो यहाँ पे एट अ टाइम एक गाड़ी का गुजरने की इजाज़त है और 5 किलोमीटर की रफ्तार यहाँ पे लिखी हुई है, सामने बोर्ड लगा हुआ है। तो हम पहुँच चुके हैं जी सरफरंगा डेजर्ट, तो मेरी बाई जानब जो है वो सारा डेजर्ट ही है। तो अभी हम जा रहे हैं, हनी भाई पहले भी आए थे तो वो बता रहे हैं कि आगे से रास्ता है, तो वहाँ से इंटर होंगे अंदर। तो एक रास्ता पीछे से भी जा रहा था लेकिन हनी भाई कह रहे हैं कि आगे से भी रास्ता जाता है, तो अभी आगे से देखते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत मंजर है यहाँ का, तो ये पौधे वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए हैं दरमियान में, ये रोड है कारपेट रोड, तो काफ़ी खूबसूरत मंजर है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक राइड करने का। तो मैं देख रहा हूँ साइड पे कोई सरगर्मियाँ चल रही हैं, ATV कहते हैं बाइक, कौन सी बाइक कहते हैं, तो वो चल रही हैं, जीप्स वगैरह भी खड़ी हैं।
नहीं नहीं सही है। हम जी सरवंगा डेजर्ट पहुंच चुके हैं, तो मैं और हनी भाई तो पहुंच चुके हैं। हमारी बाइक्स पे जो टायर थे वो अच्छे थे, तो मुआज भाई वो अभी पीछे से आ रहे हैं बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए। वापस इन्होंने पता नहीं कैसे जाना है। हनी भाई कैसे जाएंगे ये वापस? ऐसे जैसे आ रहे हैं वैसे जाएंगे वापस। तो वैसे यामा वालों नाराज ना होना, पता नहीं बंदे का कसूर है कि यामे का कसूर है, मजा नहीं आया। पर यामा बिस्ती करवा गया, मजा नहीं आया। हनी भाई और मुआज भाई फोटोग्राफी कर रहे हैं, और मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर चढ़ के देखूंगे कैसी कैसी फीलिंग आती है। ऊपर जाना है? हनी भाई ने बुला लिया, इन्होंने कहा फोटो खींचनी कोई। बहुत मुश्किल है यार, ड्रिफ्टिंग हो रही है पूरी, पैर पूरी ड्रिफ्टिंग हो रही है। ऊपर चढ़ के जी हम अपनी फोटोग्राफी में मगन हो गए थे, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से डेजर्ट का व्यू वो नहीं दिखा सका। तो यहाँ से फोटो वगैरह खींचने के बाद फिर हम निकल गए वापसी की तरफ, क्योंकि अंधेरा जो था वो बहुत जल्दी से यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है, पहाड़ियाँ हैं, तो सूरज जो है वो जल्दी छुप जाता है, तो जिसकी वजह से अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो फिर हम यहाँ से निकल पड़े। तो यहाँ पे यार बाइक चलाने का जो मज़ा आ रहा था बहुत, क्या मैं बताऊँ, आप यहाँ पे खुद आके देखिएगा कि कितना मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने फील किया है, बाइक की पावर में कमी थोड़ी सी, अगर तो यहाँ पे पावरफुल बाइक होती
तो क्या ही मजा आता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे जाके बाइक भगाई और बाइक पीछे से स्किड हो गई, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गिरने लगा था, यहाँ पे बाइक अनबैलेंस हो गई थी लेकिन अल्लाह के शुक्र से बच गया। तो फिर हम इंशाल्लाह आगे की तरफ निकल पड़े। जी हम वापस आ चुके हैं। तो हमने जो होटल लिया था कल, मैंने दिखाया नहीं आपको, तो ये हमारा होटल है। तो यहाँ पे हमारी बाइक जो है वो पार्क हो गई है, तो साथ ही सतपारा रोड है वो लगता है। तो ये जी हमारा रूम है, तो एक बेड यहाँ पे लगा हुआ है और एक बेड यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक मैट्रेस उन्होंने साथ दिया था, तो एक अटैच वाशरूम है। तो ये हमें मिला तकरीबन 1500 का, तो साथ तीन बेडरूम का रूम था तो वो दे रहे थे 3000 में, और उसके साथ अटैच वाशरूम नहीं था, तो हमें अटैच वाशरूम वाला चाहिए था, तो हमें ये 1500 में मिला है। तो बड़ा अच्छा रूम है। तो अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।